अपना टाइम गुजार लेता है, और फिर उसके बाद नर्सरी क्लास स्टार्ट होती है, पहले उसके बाद प्ले ग्रुप होता है, फिर उसके बाद नर्सरी, इस तरह की सारी चीजें। स्कूल स्टार्ट होने से पहले 2-3 साल फ्री में बच्चे की जो ना वो फीसें, और उसके बाद उसको सिर्फ चंद स्केल चंद बातें ही सिखानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना प्रॉफिट जो है उसी अंदाज से कमा रहे होते हैं। राइट फ्रॉम द प्री स्कूल स्टेज, स्कूल से पहले के मरहले से टू द टॉप लेवल आला सतह तक, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे तालीमी इदारे आर प्रमोटिंग, वो बेटे जो बढ़ा रहे हैं स्नोप कल्चर, बट दिखावे के कल्चर को। अब दिखावे का कल्चर इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके बाद इतना कुछ दिखाया जाता है मल्टीमीडिया के जरिए से, दिखाया जाता है न्यूज़पेपर के जरिए से, उस केबल के जरिए से, नेट के जरिए से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। देखिए हम कितना अच्छा अंदाज से जो ना एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस सारी चीज पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जरिए बात आते हैं वो, अब उन एक्सपेंसेस को कहाँ से पूरा किया जाता है, वो बोझ वालदैन की पॉकेट पे पड़ता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा फीसें उनसे लेते हैं और उनमें से अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट कमाने के साथ साथ वो अपने इस तरह की जो बाकी एक्टिविटीज है उस पर भी वो उसमें लविशली उसमें खर्च कर रहे होते हैं। देयर मेन इंटरेस्ट, उनका सबसे अहम जो उनकी दिलचस्पी है मेकिंग मनी, वो पैसे कमाना होता है, क्योंकि वो बाद ऐसे भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, उसके बाद ये बताते हैं साथ उसको कि आप हमारे कॉलेजेस के अंदर अपने ही पे कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो वो बच्चे चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा मैं फीसें पे कर सके, तो अच्छी फैमिली के बच्चे होने चाहिए। अच्छी फैमिली का मतलब नंबर अच्छे ना भी हो क्या है, लेकिन वो फीसें उसमें बहुत ज्यादा पे करने वाले हों, तो उनका जो मेन इंटरेस्ट या दिलचस्पी होती है वो पैसे कमाना ही होता है। दीज इंस्टीट्यूशन, ये इदारे इग्नोर नजरअंदाज कर देते हैं दैट द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन के तालीम का बुनियादी मकसद इज टू हेल्प ह्यूमैनिटी, इंसानियत की मदद करना होता है। इंसानियत की मदद कैसे करेंगे, पैसों से मदद करें, वो उसके बाद एक ऐसा काम है जो कि उसके बाद अगर आप किसी को प्रोवाइड कर देंगे तो सारी जिंदगी उसको काम देने वाला होगा। आप किसी कोई उसमें चैरिटी करते हैं, आप किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी सी उम्र होती है उनकी कि कुछ अर्से के बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। किसी को आपने शर्ट, किसी को सूट, आपने किसी को आपने परफ्यूम गिफ्ट कर दिया, तो वो चंद चीजों चंद अरसे के लिए चीजें होती हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन एजुकेशन आपने किसी को प्रोवाइड कर दी है, कोई नॉलेज आपने किसी को दे दिया है, कोई आपने किसी को स्किल आपने प्रोवाइड कर दी है, तो जो थ्रू आउट हिज लाइफ उसके लिए एक सोर्स होगा, एक ऐसा जरिया होगा जो उसको पूरी जिंदगी काम देता रहेगा। कोई स्किल आपने किसी को सिखा दी, कोई एक वर्ड आपने सिखा दिया किसी को, आपने जो कुछ भी सिखाया अगर आपने एजुकेशन किसी ना किसी अंदाज से, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन थी, चाहे वो सोशल एजुकेशन थी या स्पिरिचुअल एजुकेशन थी, किसी भी अंदाज से आपने अगर उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी है, कोई स्किल दे दी है, तो फिर थ्रू आउट हिज लाइफ वो उसके मेरे काम आएगी। और अगर कोई ऐसा इल्म आपने किसी को दिया था जो कि मेरे दीन से रिलेटेड था, तो उसके मरने के बाद भी उसको काम दे रहा होगा। तो उसके बाद दीज इंस्टीट्यूशन इग्नोर नजरअंदाज करते हैं द बेसिक एम, बुनियादी मकसद ऑफ एजुकेशन तालीम का, इज टू हेल्प ह्यूमैनिटी, के वो इंसानियत की खिदमत करना ही होता है। दे आल्सो फॉरगेट, वो भूल जाते हैं दैट के थ्रू एजुकेशन विद तालीम के जरिए से एन इंडिविजुअल, एक फर्द क्या करता है, रीच पहुंच जाता है हाई तब उस बुलंदी पे आप एंटी जहानत की एंड मोरलिटी और इखलाकियात की जनत तालीम। मैंने तो सोशल एनिमल, इंसान समाजी जानवर है, तो मेरे तालीम ही है जो एक इंसान और जानवर के दरमियान फर्क करना सिखाती है। अब क्योंकि हम भी तो जानवर हैं, अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो उसके बाद हम तालीम के बगैर जैसे जानवर बिहेव कर रहे हैं, हम भी वैसे बिहेव कर रहे होंगे। लेकिन अगर तालीम दे दी है, अब तालीम देने का मकसद सिर्फ बताना सिखाना नहीं है, अब तालीम देने से हमें अच्छे का पता चलता है, हमें बुरे का पता चलता है, हमें राइट का पता चलता है, हमें रॉन्ग का, हर चीजों के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस लेवल पे आके हम अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। रीच दी हाइट, मेरे बुलंदी पे पहुंच जाता है आप दी एंटी जहानत के मोरलिटी और उस बद इखलाकियात की। आप इसी बात की मिसाल कुरान पाक से ले लें, आप कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने उनको बुलाया और उनसे कहा कि हाँ जी फलां फलां चीजों के नाम बताएं। अब उन्होंने जवाब दिया कि अय अल्लाह, जो कुछ आपने हमें बताया हुआ है हम सिर्फ वही बता सकते हैं, इन्नी आलमु मा ला तालमु। तो उसके बाद है कि फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया, उनसे पूछा कि इन चीजों के नाम, उन्होंने उसको नाम बता दिए। फिर अल्लाह ताला ने उनके इल्म की बेस पे उनसे कहा कि उसमें सजदा करें। अब सजदा अल्लाह ताला को ही है, वो एक ताजीमन झुकना था उनके आगे, तो फिर शैतान ने इनकार किया और अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए गुमराह कर दिया।
और बेटे देखे इंटेलेक्ट और मॉरलिटी जो जो हाइट पे पहुंचे या बुलंदी पे पहुंचे, जब से कायनात बनी है तब से उस अबरस्टैन या शैतान पे लानत भेजी जा रही है। अब बेस क्या थी? इल्म की बेस थी कि अल्लाह ताला ने इल्म प्रोवाइड किया, इल्म की बेस पे अल्लाह ताला ने एक को बर्तरी दी कि उसको दुनिया याद करती है, पूरी नस्ल इंसानी उनसे आगे चलती रही, और उसके बाद फिर दूसरे पे हमेशा के लिए लानत जब तक ये रोए कायनात है उस पे वैसे लानत बरसती रहेगी। बट दे हैव द कंसीडरेशन ऑफ मेरे कॉस्ट एंड मेरे बेनिफिट ओनली, बेटे उनका जो उस बात मेरे कंसर्न है, उनका जो ताल्लुक है उससे बड़े लागत पे होता है और उसके बड़े मफाद पे होता है। क्या ना कि जब बिजनेस करते हैं तो मेरे पैसा पहले लगाते हैं आप, इन्वेस्ट करते हैं पहले, इन्वेस्ट करने के बाद आप उसमें से प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। तो जहरी बात है आप जना कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो उतना ज्यादा आपको मेरे बेनिफिट या मेरे प्रॉफिट हासिल हो रहा होगा। आप एक कमरे का एक कोई अकेडमी स्कूल चला रहे हैं, जारी बात है उसी लेवल का आपके पास प्रॉफिट होगा। आपने कोई स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो जारी बात है आप उसी अंदाज से वहां से बिड प्रॉफिट गेन करें। आपने कोई उसमें ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपने लॉन्च कर दिया, तो जारी बात है जितने ज्यादा ब्रांचेज होगी तो उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट गेन हो रहा होगा जो आपके पास आ रहा होगा। अब देखें बेटे वेस्टर्न एजुकेशन अब सिस्टम, क्योंकि हम वेस्टर्न को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट मगरबी निज़ाम तालीम ऑन दी कंट्री इसके बरक्स एम्स एट उसका मकसद होता है क्वालिटी एजुकेशन। अब बेटे मयारी तालीम, अब मयारी तालीम कैसे बेटे प्रोवाइड करते हैं, मयार तालीम में क्या होता है? अब तालीम का बेटे मयार सिर्फ नंबर नहीं होते, तालीम का जो बेटे मयार होता है जो कुछ आपको स्किल्स सिखाई गई हैं, जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, जो आपकी बेटे करेक्टर बिल्डिंग की गई है, तो बेटे वो तालीम हासिल करने के बाद जो मेरे तालीम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मकासद होते हैं तालीम के, कि आप एक इंडिविजुअल को जो पढ़ा रहे हैं उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बना रहे हैं, उसे उसके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब वो अपनी तालीम को कम्प्लीट कर ले, एक सेशन पूरा कर ले उसके बाद, तो उससे उसको क्या बेनिफिट पहुँच रहा है, उसकी वजह से उसकी सोसाइटी को क्या बेनिफिट पहुँच रहा है, और उसकी वजह से उसके कंट्री को कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये क्वालिटी एजुकेशन होती है। अब ये मतलब नहीं है कि उसके बाद आपने 99% नंबर लिए, आपने उसको जॉब की, उसके बाद आपको आपने CSS अटेम्प्ट किया, आपकी जॉब हो गई, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी हो गई, उसके बाद काम पूरा हो गया। एजुकेशन क्वालिटी का मतलब ये नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी टीचिंग रिक्वायर्ड होती है। कि क्वालिटी टीचिंग क्या होगी, वो सबसे पहली बात है आपकी करेक्टर बिल्डिंग होगी, आपको हर चीज के बारे में सिखाया जाएगा, चीजों के बारे में जानना, इल्म हासिल करना। एक कहते हैं इंसान पढ़ा लिखा जाहिल भी होता है, अब जो पढ़ा लिखा जाहिल वही होता है जो कि तालीम हासिल की, अच्छी डिग्रियां ली, अच्छी जॉब होगी, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है, उसे दूसरों के ना तो पेन्स का पता है, ना ट्रबल्स का पता है, उनकी हैप्पीनेसेस का कोई ख्याल नहीं है, और उनकी डिफिकल्टीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारी चीजें उसको उस अंदाज से प्रोवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब बंदा पढ़ा लिखा जाहिल ही है, कि उसके बाद है कि वो उसको दूसरों का ख्याल किसी अंदाज से नहीं रख रहा है। उसके बाद है जी वो जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका जो मकसद होता है बेटे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, इट इन्फ्यूज्ड द ट्रेड जिसके अंदर खसूसियात शामिल है ऑफ ट्रू लर्निंग हकीकी इल्म की। अब हकीकी इल्म क्या है? इल्म तो इल्म होता है, वो हकीकी या झूठा तो नहीं हो सकता, और पहले मैंने बताया कि हकीकी इल्म का मेरा मतलब ये है कि जो आपने इल्म हासिल किया आप उसको आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे अप्लाई कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, ताकि वो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो। ब्रेकथ्रू के जरिए से इनोवेटिव बेटे उसमें नया अंदाज होता है, ओरिजिनल थिंकिंग, और बेटे उसमें हकीकी अंदाज से बेटे सोचना। तो बेटे हकीकी अंदाज से बेटे किस अंदाज से उसमें सोच रहे होंगे, तो बेटे हकीकी अंदाज से बेटे सोचना उस बात बेटे यही होता है कि जो कुछ मेरे राइट है, जो कुछ उस पर रॉन्ग है, जो गलत है, सही है, सच, मेरे सारी चीजों के बारे में आपके पास बड़े हकायक होने चाहिए, और उन हकायक को आप उसी अंदाज से इस्तेमाल करने की मेरे कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद यदि अवर सिस्टम हमारा जो